आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी की कोफ्ता करी। लौकी को घिया भी बोला जाता है, बहुत लोग घिया बोलते हैं, तो घिये के कोफ्ते भी बोला जाता है इसे। आप लोग बनाते होंगे पर इस तरह से नहीं बनाते होंगे जिस तरह से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलने वाली है। आप खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। तो आइए बनाना शुरू करें। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा gitakino.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो घिया लिया है, इसे हम इस तरह से छील लेंगे। तो मोटा मोटा छिलका इसका उतार लें। मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है, आपको जितना बनाना है आप उसके हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 लोगों के लिए बनाया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से छील लिया है, लौकी को अच्छे से छील लिया है, इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौकी को धो लिया है, अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोटा वाला ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ इसे कद्दूकस करने के लिए। तो इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पतली वाली लौकी इस्तेमाल की है, बहुत ज़्यादा मोटी लौकी ना लें क्योंकि उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं और वो टेस्टी नहीं लगते हैं। तो कोशिश करें कि पतली जो लौकी है वो लें, तभी जो कोफ्ते हैं वो टेस्टी बनेंगे। अगर इसमें बीज आएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो लौकी है वो मैंने अच्छे से कद्दूकस कर ली है, अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो इसे ज़्यादा देर तक ना रखें, इसका कलर चेंज होने लगता है। तो अब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 बड़े चम्मच बेसन भर के ऐड कर रही हूँ, अगर हमें कम लगेगा तो हम और ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसे बाइंड करके चेक कर लेंगे। और इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे कि ये आपस में बंध रहे हैं या नहीं बंध रहे। तो इसमें बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि ज़्यादा बेसन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, मुझे जो लौकी है वो ज़्यादा लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी, 2 चम्मच। तो इतना बेसन ऐड करना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए, पर इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना है कि सिर्फ बेसन का टेस्ट आए। तो हमें इसमें लौकी का टेस्ट चाहिए इसलिए बेसन कम से कम ऐड करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से अब ये बाइंड हो रहा है, तो ये बिल्कुल कोफ्ते बनाने के लिए रेडी हो गया है मिक्सचर हमारा। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर प्लेट में लिए हैं 2 प्याज जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 2 बड़े लाल टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है तो इसमें सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। टमाटर को काट लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे, पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी, अब इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस पे कढ़ाई रखी है जिसमें मैं काफ़ी सारा ऑयल डालूंगी क्योंकि हमें यहाँ पर पकोड़े बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो ऑयल है वो ज़्यादा लगेगा, अगर आप बिल्कुल कम ऑयल डालेंगे तो उसमें कोफ्ते फ्राई नहीं होंगे, तो इसलिए हमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा ऑयल डाल रही हूँ, पर जब कोफ्ते तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें से सारा ऑयल निकाल लेंगे, बहुत कम ऑयल की हमें ज़रूरत होगी। तो अभी क्योंकि हमें कोफ्ते फ्राई करने हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने काफ़ी सारा ऑयल डाल दिया है और इसे हम तेज़ गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे एक एक करके। तो यहाँ मैं हाथ से ही इस तरह से कोफ्ते डाल दूंगी। तो जितने बड़े साइज़ के आपको कोफ्ते बनाने हैं उतने बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके कोफ्ते डालते जाएंगे, थोड़ा खुला खुला डालेंगे, एक साथ चिपका के ना डालें ताकि कोफ्ते अच्छे से फ्राई हों और आपस में चिपके नहीं।
तो इस तरह से ये मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये एक तरफ से सिक जाए इस तरह से, तब इन्हें हम पलट देंगे और इन्हें पलट पलट कर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें आराम आराम से पलट देंगे। तो यहाँ पे जो कोफ्ते हैं वो मेरे फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, बस कलर आ गया अच्छा सा गोल्डन ब्राउन, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए कितने बढ़िया कलर आया है, तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह से निकाल देंगे। अब इसमें हम बाकी बचे हुए कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से गरम गरम तेल में हम कोफ्ते डाल देंगे। इन्हें चाहे तो आप वैसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने बाकी बचे हुए भी कोफ्ते डाल दिए हैं इसमें, इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी बचे हुए कोफ्ते थे वो भी हमारे फ्राई हो गए हैं, काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल देख रहे होंगे, सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी, सिर्फ दो बड़े चम्मच मैं ऑयल इसमें छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल कढ़ाई में रहने दिया है और तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म है। इसमें हाफ टी स्पून मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरे को हल्का सा फ्राई होने देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग, एक चुटकी हींग ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कोफ्ते में, और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जीरा और हींग फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम ये प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, क्योंकि मसाले हमने पहले भी ऐड किए थे इसलिए यहाँ कम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैं लाल मिर्च की जगह कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इससे क्या होगा कोफ्ते में बहुत अच्छा कलर आएगा, और हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की थी तो ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा, तो बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। हमने कोफ्ते में भी नमक ऐड किया था इसलिए बहुत ध्यान से ऐड करें, और इस मसाले को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे जो मसाला है वो काफ़ी हद तक भून चुका है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो कोफ्ते में पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं वो पानी को अब्सॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसमें, और इसे हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे, और गैस को मैंने हाई पे रखा है। इसे हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम हाई फ्लेम पर पकने देते हैं जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर इसे 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अभी जो इसकी ग्रेवी है वो आपको बहुत पतली लग रही होगी, पर जब आप इसे इस तरह से रख के छोड़ देंगे, अगर 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, तो जो कोफ्ते हैं वो सारी ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ा पतला रखा है। तो 5 से 7 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते को सर्व कर लिया है, और ये हमारे लौकी के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें।